अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, फाइनली मुझे एमसीबी लाइट की तरफ से, यानी एमसीबी ब्रांच की तरफ से एमसीबी लाइट कार्ड जो है वो फाइनली मौसूल हो चुका है। और व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या क्या मैंने ऑनलाइन अप्लाई करके ही ये कार्ड मुझे मिला है, और क्या मतलब मैं मैन्युअली जाके ब्रांच में मैंने प्रोसेस कुछ करके, यानी फॉर्म वगैरह फिल करके मुझे ये कार्ड मिला है। तो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से मिलेगा कि आप लोगों ने भी ऑनलाइन अप्लाई करना है या मैन्युअली जाके ब्रांच में आप लोगों ने मैन्युअली प्रोसेस करके आप लोगों को कार्ड मिल सकता है। तो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन पर प्रेस कर देना। वहाँ से तीन ऑप्शन आ जाएंगे, वहाँ से आल पे प्रेस कर देना है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ ही हफ्ते मैंने एक वीडियो डाली थी कि आप एमसीबी लाइट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से कर सकते हो, तो उस वीडियो पर काफ़ी कमेंट्स भी आए थे। कुछ लोगों ने कहा था कि यार मैंने अप्लाई तो किया है बट मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला है अभी तक। तो मैं व्यूअर्स अपना ही आप लोगों को एक्सपीरियंस बता दूं कि मैंने एक बार अप्लाई किया ऑनलाइन, यानी जहां पे आप वेबसाइट में जाते हो और वहां पे ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हो, ठीक है। तो जब मैंने वो अप्लाई की, फिर मैंने मतलब 5 दिन वेट किया, 5 दिन के अंदर मुझे उसकी तरफ से, यानी एमसीबी लाइट कार्ड की एमसीबी ब्रांच की तरफ से या उसके हेड ऑफिस की तरफ से कोई रिस्पांस मुझे नहीं आया। फिर मैंने उसको ईमेल कराया कि आपने मतलब मुझे कहा था कि अगर 5 दिन के अंदर आपको हम रिस्पांस नहीं देते तो आप हमसे कांटेक्ट कर ले, ठीक है। तो फिर मैंने इसलिए कांटेक्ट किया है आप लोगों से, आप लोग मुझे बता दो कि मुझे क्या करना होगा। तो फिर मुझे उसने क्या कहा कि मतलब वो बहुत दिन उसमें गुजर गए, यानी रिप्लाई करने में 2-3 दिन गुजर गए, उसके बाद मुझे रिस्पांस मिला कि आप मैन्युअली जाके यानी ब्रांच में जाके आप जो है अप्लाई कर लो, ठीक है। तो मैं ब्रांच गया, और ब्रांच जहाँ पे मतलब हमारा ब्रांच बनता है, यानी सराय नवरंग की जो हमारे साथ सिटी होते हैं, तो उस ब्रांच में वो लोग मुझे कहते थे, यानी एम्प्लॉयज़ वाले, कि आप एमसीबी लाइट कार्ड के लिए यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक एम्प्लॉयज़ के लिए ये जो सर्विसेज है ये अवेलेबल नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं जो कि एमसीबी लाइट कार्ड यूज़ करते हैं, और उसमें से आप भी एक हो, तो इसलिए हम ये सर्विसेज यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर रहे। तो मैं फिर क्या किया मैंने कि हमारे साथ एक बनू का मतलब सिटी है, वो हमसे थोड़ा दूर है, तो मैं उसमें जाके मैन्युअली वहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल करके 500 रुपये जमा करके वहाँ पे अप्लाई कर दिया। और व्यूअर्स, मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये 500 रुपये आपसे इसलिए ले आ जाता है ताकि आप लोगों को ये मतलब एमसीबी लाइट कार्ड के लिए जमा कर दे, ठीक है। बल्कि जो मतलब कुछ दिन के बाद जब मेरा वही प्रोसेस हो गया तो मेरा एक्टिवेशन उसने मतलब मुझे मैसेज मिल गया, और फाइनली 15 दिन जब हो गए तो 15वीं दिन के बाद मुझे ईमेल आया, सॉरी मैसेज आया एमसीबी लाइट कार्ड की तरफ से, यानी ब्रांच की तरफ से, कि आपको हमने कार्ड जो है डिस्पैच किया है TCS की जरिए से, तो आप जाके मतलब TCS वालों से कॉन्टेक्ट कर लो और अपना कार्ड रिसीव कर लो। तो फिर मेरा कार्ड जो है बनू एमसीबी ब्रांच चला गया था, और मैं वहां पे जाके वहां से अपना कार्ड जो है रिसीव कर चुका हूं, और वहां पे मैंने जो है इसमें पैसे भी जमा किए, क्योंकि वही 500 रुपये उसने जमा किए थे, बट मुझे एम्प्लॉयज़ ने कहा कि आपके 500 रुपये जमा नहीं हो रहे थे तो क्योंकि काम थे, तो इसलिए आप अभी 600 रुपये ही जमा कर लो। तो 600 रुपये ही इसमें जमा किए हैं मैंने। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एमसीबी लाइट जो है कार्ड जो है ये गूगल एड्स और इस तरह के मतलब ऑनलाइन परचेजिंग के लिए, यानी Daraz.pk के से अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हो ऑनलाइन तो उसके, तो यानी इसके थ्रू आप उसे पेमेंट कर सकते हो। तो अभी मैं आप लोगों के सामने इसकी मतलब अनबॉक्सिंग करूँगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हैं एमसीबी लाइट कार्ड, ठीक है। और ये अगर मैं आप लोगों को फ्रंट साइड पे इसको दिखा दूँ तो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है एमसीबी बैंक फॉर लाइफ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एमसीबी लाइट पासिटान, ठीक है। तो ये लाइट कार्ड होती है, ठीक है। और ये कुछ नंबरों से हो सकता है कि मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स आप लोगों को ना दिखाऊँ, ठीक है, वो मैं ब्लर कर दूँगा वीडियो में, ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी वो प्राइवेसी होती है, तो इसलिए मैं उसका ख्याल भी रखूँगा। और यहाँ से हम क्या करते हैं कि इस साइड से हम इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पर अनबॉक्सिंग के लिए मैंने स्पेशल एक चीज़ रखी हुई है, तो यहाँ से हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है कि इसको शुद्ध करना है, और ये आप लोग देख सकते हो ये इजीली से हो रहा है, ठीक है। और मतलब कि इस साइड से भी कर लेते हैं। चलो ये तो बहुत सख्त जो है बॉक्सिंग इसकी हो रही है, बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फाइनली हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो इसके साथ जो बुक है, साथ में मेरा जो नेम है और एड्रेस वगैरह लगा हुआ है, और मैं उसको जो है मतलब ब्लर कर दूंगा। यहाँ से आप लोगों को मुख्तलिफ जो हिदायत होते हैं वो आप लोगों को शो होती है कि आपने MCB लाइट कार्ड को किस तरह से एक्टिवेट करना है। तो यहाँ से उसका कंप्लीट प्रोसेस भी बताया गया है, ठीक है। और ये कम्प्लीटली ये बुक है, ठीक है। आप इसको अगर मतलब इसको रीड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं, बुक ये है, ठीक है। तो ये बुक है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन भी होते हैं। और MCB लाइट कार्ड को अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे पड़े होगी, लेकिन उसके लिए ये भी पेपर हुआ है। और इसके अंदर जो है हमारा कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। और हम इस कार्ड को भी निकालेंगे, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो फाइनली मेरा कार्ड जो है वो आ गया है, और आप लोग को शो हो रहा है। ये होती है MCB लाइट कार्ड जो कि अटैच है इस पेपर के साथ। और यहाँ से मैं आपको ये इंफॉर्मेशन जो है वो ब्लर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने नाराज़ नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो कि दूसरों को शो करनी नहीं होती। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो इस तरह से आप लोगों का MCB लाइट कार्ड होता है। आप लोगों ने अगर आप लोगों को आ जाती है तो आप लोगों ने इस तरह इसकी अनबॉक्स कर लेनी है, ठीक है। तो जब इंशाल्लाह मैं इसकी एक्टिवेशन करूँगा और कुछ पर्पस के लिए यूज़ करूँगा, तभी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो भी इसके लिए ऊपर बनाऊँगा। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक देना। चैनल पर अभी तक आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन पर प्रेस कर देना। वहाँ से 3 ऑप्शन आ जाएंगे, वहाँ से ऑल पे प्रेस कर देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।